ए गोले बोले इसको पहचान था क्या? उंगली दिखा पहचान जाएगा, दिखा ना दिखा ऐसे। ए गोपाल बता कब देगा? अभी लो। अरे बोला नहीं मेरा पैसा। वसूली भाई आपका पैसा तो भूल जाओ। क्यों? आपका जेटस्की का धंधा तो बर्बाद हो गया, इसलिए तो आपको छुड़ाया ताकि नया धंधा शुरू कर सके। तो क्या मैं तुम लोगों को शक्ल से इतना बड़ा चुप गोला दिखाई देता हूँ? वसूली भाई सच हमेशा कड़वा होता है। इतना कड़वा। इससे कड़वा सच ये है कि आपकी कोई इज्जत नहीं है वसूली भाई। हाँ, और वो भी इसलिए क्योंकि आपका कोई नेम नहीं, एस्टैब्लिश बिजनेस का फेम नहीं। इज्जत होगी तो नाम होगा, सटैक घर की पटाक लड़की मिलेगी। लेकिन वो जेट्सकी के धंधे का तो दिवाला निकल गया ना। दिवाला से याद आया कि दिवाली आ रही है, आप पटाखे की दुकान क्यों नहीं खोल लेते? वसूली फायरवर्क, वसूली चक्री, वसूली सुरसुरी, वसूली लोंगी, वसूली मिसाइल। अरे झुकी क्यों? वसूली रॉकेट भी तो निकलेगा। इस दिवाली तेरा ही जलवा होगा। जलवा यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, तेरा ही जलवा यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा। अरे क्या हो गया? तो मैं चाकू का बाबली। क्या हुआ? इतने टेंशन में क्यों? आज तो वसूली फायरवर्क्स की ओपनिंग है। अरे डब्बू किसी ने ठीक सामने पटाखे की ही दुकान खोल ली। अरे गोपाल इन तीनों ने फिर से सेम टू सेम धंधा खोल दिया। उंगले 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 It's okay. Yeah! What? Oh yeah, ami yeah, ayam aye, ab e o uli 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 oya e ya, e e uli e ya. नाच के बोल ना, बहुत मजा आएगा नाच के बोल। क्या कर रहा तू? कॉपी कैट। कोई एग्जाम में इतनी कॉपी नहीं करता जितना तुम लोग बिजनेस में करते हो। तुम्हारी वसूली फायरवर्क्स है ना, पूरी दुकान तोड़ देंगे हम लोग। मेरी दुकान तोड़ेगा तू? वसूली की दुकान तोड़ेगा तू? अरे छुरा है ठोक दूंगा। अबे दिवाली है चल हट। पप्पी बॉस कम ऑन। बशीर बशीर वल्ला ईद के पाक मौके में तुम हमको भूल गए यार। वल्ला कंदर वल्ला बंदर बोरे बंदर चल कलंदर मेरा बंदर वजीर मुबारक भाई जीत मुबारक। पापी बॉस लीवी बॉस आज दिवाली है DDLJ दिवाली। और ये बशीर बशीर नहीं आपकी ऑपोजिट पार्टी वसूली है। WSSSSO वसूली वसूली। वो महारानी का हार चोरी हुआ था जिस रात तू ही मिला था ना मुझे। भूला। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, कई बार चोर हमारे लेफ्ट में राइट में होता है और हमें पता भी नहीं चलता। इन दोनों को देखा है मैंने कहीं पर। ए पिंक शर्ट तुम मुंह क्यों छुपा रहा है? तुमसे कह रहा है मेरी माँ किसी के साथ भाग गई थी। मेरी माँ किसी के साथ भाग गई थी इसीलिए मुंह छुपा रहा हूँ, समझते नहीं हो तुम? ओके ओके। और तू ब्लू शर्ट? इसकी माँ जिसके साथ भागी थी वो मेरा बाप था। कमाल है इंस्पेक्टर साहब, क्या अंडरस्टैंडिंग है। वो रहने दो ना, आपके बच्चे के लिए पटाखे खरीदो वरना आपकी बीवी आपको मारेगी। गंधारी इंस्पेक्टर साहब, आपको पटाखे चाहिए ना? आइए आइए वसूली फायरवर्क्स में आइए।
आज बोनी उसकी होगी जिसके रॉकेट में दम होगा। चलो के दिखा। ये सब क्या चल रहा है? संडे मास चल रहा है। मैं तुम्हारे बारे में पूछ रही हूँ। मैंने क्या किया है गुड्डे? शर्म नहीं आती तुम्हें इस उम्र में मेरा पीछा करते हुए? मैंने तुम्हारा पीछा नहीं किया गुड्डे। वो तो दिन में 6-7 बार बाय चांस 6-7 बार बाय चांस नहीं होता। आस पड़ोस के लोग सबने देखा है तुम्हें मेरे। अगर इतना ही था तो तब वापस आ जाते। वापस आने के लिए ही तो गया था, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने जो बैग दिया था उस बैग को भरते भरते मेरा भरता निकल गया। रात को डिस्को डांस किया, दिन में नारियल पानी बेचा, वीकेंड्स में गली गली में जाके हलवा बेचा। बच्चे मुझे देख के कहते थे आ गया हलवा वाला आ गया। वापस लौटा तो तुम्हारे घर में ताला लगा हुआ था। मैंने आसपास से पूछताछ की तो उन लोगों ने मुझसे पूछताछ की कि मैंने 3 साल पहले क्यों नहीं पूछताछ की। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है गुड्डे, और तुमने शादी कर ली। तुमने नहीं की। तुम्हारे वो 3-3 बच्चे तुम्हें बिग बाजार के सेल में मिले हैं, एक लो तो 2 फ्री। तुम्हारे भी 2 बच्चे कोई टोस्टर से फुदक के नहीं निकले। वो मेरे बच्चे नहीं है, वो शंभू काका के हैं। क्या तुमने शंभू काका से शादी कर ली? गुड्डी बिटिया ये क्या कह रहा है? क्या बात कर, नहीं पागल हो गए हो क्या? नहीं, वो शंभू काका के पोते हैं। ओह माय गॉड। उनका परिवार एक हादसे में मारा गया, इसलिए गोपाल और लक्ष्मण हमारे साथ रहने लगे। फिर मेरे पापा को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके, ही डाइड। बच्चे कुछ पैसे लेकर मैं देहरादून से यहाँ गोवा चली आई। गोपाल और लक्ष्मण के साथ यहीं सेटल हो गई। मैंने जिंदगी भर शादी नहीं की है पप्पू, सिर्फ इंतजार किया है। लेकिन ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रही हूं? गुड्डे, मेरी भी जिंदगी का हर दिन शुरू होता था रोशनी के साथ और चांदनी पे खत्म। हाँ? दो के साथ? जी? अरे नहीं नहीं, सूरज की रोशनी चांद की चांदनी ऐसा ही कहते हैं। जब तुम मुझे नहीं मिली तो मैंने अपनी जिंदगी अनाथों के नाम कर दी, जमुनादास अनाथ आश्रम में नौकरी कर ली, और एक दिन
आश्रम के मालिक जमुना दास दूध पीते पीते मर गए। दूध पीते पीते? हाँ, भैंस उन पे गिर गई थी। अनाथ आश्रम फिर से अनाथ हो गया। जमुना दास जी ने सब कुछ मेरे नाम कर दिया जो पहले से कर्जे में था। सब कुछ चला गया, बाकी सारे बच्चे अडॉप्ट हो गए। सिर्फ मेरे पास रह गई आश्रम की एक बस और वो तीन बेबस बच्चे। तुम्हारी तरह मैंने भी जिंदगी भर शादी नहीं की, सिर्फ इंतजार किया। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये ले शिंदे पकड़। I just knew it. 1942 a love story. सच कहा है किसी ने, इश्क की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। By the way, I'm डब्बू। देख डब्बू, सब कुछ देख ले। अरे सुनो। अरे सब कुछ सुन लिया? डब्बू, बच्चों को नहीं पता चलना चाहिए कि हम उनके माँ बाप नहीं है, तुझे मेरी कसम। सुनो बेटी, अनाथ वाली बात सुनेंगे तो उनका दिल दुखेगा। हाँ ठीक है अंकल, ओके आंटी, वो चैप्टर तो क्लोज रहेगा। Thanks. लेकिन ये चैप्टर जो अभी अभी खुला है उसका क्या? कहना क्या चाहती है तू? किस्मत ने दोनों को इतने सालों बाद मिलवाया है। क्यों? क्योंकि तब नहीं मिल पाए तो अब सही। नहीं, ये नहीं हो सकता। आप तो ये नहीं हो सकता। So sweet. दोनों के ख्यालात अभी तक कितने मिलते जुलते हैं। गुड्डी वेड पप्पू, वाह, गो फॉर इट डब्बू। लेकिन इतना आसान नहीं है डब्बू, तुम्हें भी पता है कि हमारे बच्चों में जरा भी नहीं जमती। अच्छा, so that's your problem? Then there's no problem. क्या no problem डब्बू? बच्चे क्या बोलेंगे? Don't worry, आपके पांचों बच्चे कुछ नहीं बोलेंगे। हा? वैसे दो को ही संभालना है ना, एक तो एड़ा है, एक तो बोलता ही नहीं है, तीसरा जब तक बब बब बोलेगा तब तक शादी हो जाएगी। डब्बू, अरे डब्बू बात तो सुन। गुड डे, लगता है ये डब्बू हमारी शादी करवा के ही रहेगी। शट अप पप्पू, तू क्या बोल रही है डब्बू? माँ की, माँ की। हाँ हाँ, माँ की शादी लक्ष्मण। गोपाल, इसमें माँ की खुद की खुशी है। अरे खुशी नहीं, खुदकुशी है, खुदकुशी। क्यों भा? नारियल के ऊपर वाले कड़क हिस्से की तरह मत सोचो, अंदर की तरह नरम दिल से सोचो। ये उन दोनों की इनकम्प्लीट लव स्टोरी है जिसकी हैप्पी एंडिंग अब तुम दोनों की परमिशन पे डिपेंड करता है। अरे लेकिन हम कैसे हाँ बोल दे, वो भी अपने माँ की, माँ की। अभी तेरी माँ की। yeah. खुशी देख लक्ष्मण, जिसे वो प्यार करती है उनकी खुशी देखो। mm. उन तीन मासूम बच्चों की खुशी देखो। mm. उनको भी तो माँ का प्यार मिलेगा ना। mm. और तुम दोनों से अच्छा कौन जान सकता है कि माँ का प्यार क्या होता है। अरे वो सब तो ठीक है डब्बू, लेकिन लेकिन क्या? तुमने तो कहा था कि अब टाइम आया है माँ के लिए कुछ करने का। अच्छा सपोज हम लोग मान भी जाते हैं, लेकिन लोगों का क्या? लोग क्या कहेंगे भा? हंसेंगे हम पे, कहेंगे देखो जवान बेटा निकले अपने माँ की। तुम्हारी माँ ने तुम दोनों को बड़ा करने में कितनी प्रॉब्लम्स फेस की, तब तुम्हारे जमाने ने तुम्हारी माँ की फिक्र की। तुम्हारी माँ ने पसीना बहा के घर चलाया, सैक्रिफाइसेस दी, तब तुम्हारे जमाने ने तुम्हारी माँ की फिक्र की। माँ का सपना इम्पोर्टेंट है या जमाने की हकीकत? माँ का प्यार इम्पोर्टेंट है या जमाने की नफरत? उन तीनों छोटे छोटे मासूम बच्चों को उनकी माँ का प्यार मिलेगा। छोटे? हाँ, एक तो इतना छोटा है बेचारा बोल भी नहीं पाता। बा लेकिन जमाना, जमाने की ऐसी की तैसी, माँ की शादी होगी। होगी बाकी माँ की होगी होगी होगी। ए ओ? हाँ हाँ, यही है वो जिनका पीछा करते रहते थे ये। इनका ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों वाला प्यार आज रंगे हाथों पकड़ा गया। छी पा, छी, इस उम्र में शर्म आनी चाहिए आपको। ऊपर वाला भी आपसे दो या तीन दिन ही बड़ा होगा। बुढ़ापे में बुढ़ापा आ रहा है और हरकतें इतनी गिरी हुई। हाँ, ऐसे आदमी लाइफ में दो ही टाइम गिरता है, या तो खुले शू का लेस हो या फिर आदमी खुद कैरेक्टर लेस हो। पहली बार डोंट शट अप, तू बोलते जा, करेक्ट बोल रहे थे। इसलिए तुम लोग को वार्न कर रही हूँ गाइस, मेरी आंटी पुलिस में रिपोर्ट कर देगी, ऊपर तक कॉन्टैक्ट है उनके, कुछ भी हो सकता है, तुम लोग फंसोगे। हाँ कोई रास्ता नहीं है क्या? एक ही रास्ता है, क्या? अंकल और आंटी की शादी। अंकल आंटी की शादी सुनने में कितना ऑड लगता है। अबे रिश्तेदारों में तो शादी होती है, मम्मी की, डैडी से, दीदी की, जीजा जी से, भैया की, भाभी से, वैसे अंकल की आंटी से। और हाँ एक बात बता देती हूँ,
तुम्हारे होने वाली माँ के दो बच्चे भी हैं। बच्चे? छोटे छोटे। छोटे? जब मैं बात कर रही हूँ ना मादा। और वैसे भी एक जमाने में दे लव्ड ईच अदर ना। लक्ष्मण बिछड़ों को मिलवाना इज अ नोबल डीड यार। और लकी यू ऑलवेज वांटेड अ मादा नो। जिनके सर हो माँ की छाव पाओ के नीचे। चुमा इमरान हाशमी। अबे ढक्कन जन्नत बोल रहा है। ए मादा बोल क्या बोलते हो सोच ले बोल। ठीक है। मुबारक हो मुबारक मुबारक हो मुबारक हो। पहले हमें हमारी होने वाली माँ और उनके दो बच्चों से मिलना है। यप मिल लेना शादी के दिन मिल लेना। नहीं नहीं शादी से पहले मिलना है। मिलना है। हाँ मिलना है। अरे हाँ मिलना है। तुम्हारी माँ का घोसला।